हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अलगार ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक प्रीमियम 2 BHK, जिसका व्यू आप देख रहे हो मेरे पीछे, कितना मस्त व्यू है। पूरा ओपन स्पेस है, पूरा अपना सी फेसिंग है। यहां से आपको सीलिंग का भी आपको नज़ारा दिख रहा होगा। और ये जो सेक्टर है, अभी ये सेक्टर 3 में मैं है वो यहाँ पे, तो आपको जो प्रॉपर्टी अभी दिखाने वाला हूँ वो सेक्टर 3 में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं सेक्टर 3 का जो प्रॉपर्टी है। बहुत बड़ा टावर है, अभी इसका OC आ चुका है, पोजेशन भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो उसके प्राइस के बाद उसका डायरेक्शन के जो भी है फ्लैट रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो साथ में आपको देते रहूँगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, वीडियो को स्किप मत करो। तो चलो देख लेते हैं अपना प्रीमियम 2 BHK, जिसका व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 2 BHK भी है, 1 BHK भी है। तो जो भी बात करेंगे हम वीडियो में फ्लैट के अंदर जाके कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं अपना 2 BHK, और नज़ारा भी देखो कितना मस्त नज़ारा है यहाँ से। दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था, हम अभी जा रहे हैं एक बढ़िया सा 2 BHK देखने। तो इसका एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, ये इसका लॉबी है, यहाँ पे लिफ्ट है, लॉबी भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, तो लॉबी भी है जो अंदर का एरिया है। तो काफ़ी बड़ा एकदम स्पेशियस फ्लैट बना दिया है। और यहाँ पर तो एक अकेला ही फ्लैट आ जाता है, क्योंकि आजू बाजू में कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, सबको ना एक सेपरेट बहुत सारी जगह अपने दरवाजे के सामने। तो चलिए चल के देख लेते हैं ये 2 BHK, जिसका एरिया मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए 2 BHK का ये हॉल है, हॉल काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बढ़िया हॉल, ये डाइनिंग का स्पेस है, यहाँ पे ये हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, काफ़ी बड़ा फ्लैट है। और फ्लैट यहाँ पर फ्लोर पे यहाँ आपको फ्लैट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच गैलरी है, यहाँ पर किचन और हॉल की इस साइड में। यहाँ पर ऊपर थोड़ा काम चलो इसलिए यहाँ पर मैं जा नहीं सकता, ये नीचे सीमेंट वगैरह पड़ा है। लेकिन जो व्यू आपको ये फ्लैट में से आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो पूरा ओपन व्यू है। यहाँ पे जो अपना NRI कॉम्प्लेक्स यहाँ से दिख रहा है, सीवुड का जो सीलिंग सी फेसिंग, यहाँ पे आपको पूरा ओपन स्पेस यहाँ पे दिख रहा है। बाजू में यहाँ पे गार्डन का काम चालू है। तो यहाँ पे भी आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं इन फ्यूचर में भी, क्योंकि बिल्डिंग के सामने कोई आपका बड़ा बिल्डिंग नहीं बनने वाला है। तो आपको ये फ्लैट काफ़ी बढ़िया रहेगा, ये व्यू काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे ये सेक्टर 3 में ये फ्लैट आ जाता है। बात करेंगे अगर इसकी एरिया कितना है, तो इसका एरिया है 1185 का इसका एरिया है बिल्टअप। तो आप कारपेट तो 37% अगर माइनस करते तो काफ़ी बढ़िया 750 का कारपेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप देख सकते, देखो कितना बड़ा हॉल है। यहाँ पर मैं अभी डाइनिंग स्पेस पर यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ पर जो डाइनिंग का स्पेस दिया, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे ये रहा अपना बाजू में, यहाँ पे किचन है, किचन का साइज़ भी देख लो, काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ पे बॉक्सी टाइप का किचन है, वन साइड है, यहाँ पे किचन को थोड़ा साइड में, यहाँ पे टाइल्स भी आपको मिलता है, और किचन को भी काफ़ी बड़ा गैलरी मिल जाता है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे दोनों बेडरूम है, इस साइड में कॉमन बेडरूम है और इस साइड में आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और ये रहा आपका कॉमन वाशरूम, तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं यहाँ पर क्या है अंदर, इसके पीछे कितना हमें जगह मिलता है। 1 मिनट, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है, बट थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी काम नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको काम करके आपको वो स्पेस भी यूज़ करने के लिए मिल सकता है। तो चलिए पहले अपन कॉमन बेडरूम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कॉमन बेडरूम का जो टाइल्स वगैरह है, तो वुडन टाइप का टाइल्स यहाँ पे यूज़ किया है बिल्डर ने। तो कॉमन बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको कोई ऐसी नाराज नहीं मिलेगी यार काफ़ी छोटा फ्लैट करके। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा यहाँ पे आपको कॉमन बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पे कॉमन बेडरूम को फ्लोर बेड आपको छोटा मिलेगा, 2 फीट का यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आपका जो व्यू है कॉमन बेडरूम से भी, किचन से भी, हॉल से भी और मास्टर बेडरूम से, तो कॉमन आपको एक ही व्यू मिलने वाला है, ये सी फेसिंग का व्यू मिलने वाला है। मॉर्निंग सनलाइट डायरेक्टली आपके रूम्स के अंदर आ जाएंगे, तीनों भी रूम्स के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन मास्टर बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम कितना बड़ा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे आप बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। ये वॉशरूम है, और देख सकते हैं इसके अंदर अगर वॉशरूम कितना बड़ा है, तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। इस साइड में आपको यहाँ पे डक मिला है, तो यहाँ पे आपको भी काफ़ी बड़ा डक मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रॉपरली यूज़ करने मिल जाएगा। तो इसका अभी OC आ चुका है, फ्लैट का एरिया मैंने आपको बता दिया है 1185 1385 का यहाँ पे फ्लैट का बिल्टअप एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है, ये बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हो ये जो फ्लैट है अभी 9 फ्लोर पे फ्लैट है। ये फ्लैट की रिगार्डिंग आपको जब जो भी आपको क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बेडरूम से भी देखो कितना बड़ा नज़ारा है, यहाँ पे आप
गार्डन का काम चालू, यहाँ पे गार्डन बन रहा है। सामने से आप देख सकते हैं सी व्यू भी दिख रहा है आपको, जो एनआरआई कॉम्प्लेक्स है। सामने से आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो व्यू आपको काफ़ी बढ़िया परमानेंट आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको नेट मॉस्किटो भी मिला, मॉस्किटो नेट भी मिला है। और बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा, मुझे बेडरूम काफ़ी अच्छा लगा। और उसका हॉल का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, हॉल का साइज़। तो चलिए मैं आपको अगर बताना चाहूँ इसका एरिया, जो मैं आपको दोबारा से तिबारा से बता देता हूँ, इसका 1185 का एरिया है। और आपको इसके प्राइस के बारे में अगर डिस्कस करना है तो आप देख सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा नंबर आता ही होगा, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। तो जो भी आपको इस फ्लैट के रिगार्डिंग आपको डाउट्स क्वेश्चन जो भी है तो आप पूछ सकते हो। तो इसका ओसी वगैरह आ चुका है, अभी पजेशन दिया है सभी लोगों को। सभी लोगों के यानी कुछ अभी मीन्स फैमिली अभी रहने आ रही है, शिफ्टिंग हो रही है, अभी अभी पजेशन मिला है। कुछ लोग अपना फ्लैट का अभी कुछ काम भी कर रहे हैं, जिनको जैसा करना है वैसा। तो काफ़ी बड़ा है, ये सेक्टर 3 में आ जाता है, उल्बे के सेक्टर 3 में। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी बड़ा टावर भी है यहाँ पे, आपको कॉमन एमिनिटीज भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।